मैं तो ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने लता मंगेशकर का जन्म हिंदुस्तान में किया और हिंदुस्तानियों ने खूब सुना देखा। लता दीदी हमारे बीच नहीं रही, बोलने में भी बड़ी तकलीफ होती है। स्वर कोकिला, भारत रत्न, करोड़ों की दीदी और बहुतों की माँ अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन वो कहीं गई नहीं है। जिस तरह से पेड़ पौधे, सूरज चांद, धूप छांव, गंगा जी, नदियां, समुद्र, ये हमेशा रहेंगे, ऐसे ही लता जी भी हमारे बीच हमेशा रहेंगे और हम इन्हें सुनते रहेंगे और सब लोग उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। ऐसे लोग साधारण नहीं होते, साधारण इंसान नहीं, वो कोई अवतार थी, साक्षात सरस्वती। कल वसंत पंचमी थी, माँ सरस्वती की हमने पूजा की और आज इस दुनिया की सरस्वती हमें छोड़ के चली गई। हम लोग जब विदेशों में जाते हैं कार्यक्रम करने, दुबई वगैरह में या लंदन वगैरह में, तो वहाँ पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी और दूसरी कंट्री के लोग मिलते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारे देश में सब कुछ है मगर दो चीज़ें नहीं, एक लता जी नहीं है, दूसरा ताज नहीं है हमारे पास। कई पाकिस्तानी ह्यूमर में ही सही कहते थे कि यार हमें लता मंगेशकर दे दो और पूरा कश्मीर ले दो। लता दीदी मिमिक्री भी बहुत अच्छी करती थी, कभी मुकेश की नकल करती थी, मुकेश गायक, ये नितिन मुकेश बताते हैं, मोहम्मद रफ़ी की नकल करती थी और अपनी बहनों की नकल करके खूब हंसाती थी, आशा जी की नकल, उषा जी की नकल, तो एक तरह से वो मिमिक्री आर्टिस्ट भी थी। क्रिकेट भी बहुत पसंद करती थी। 3 साल की उम्र से उन्होंने गाना सीखना शुरू कर दिया। उनका एक गाना याद आ रहा है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। लता दीदी